जनपद के विकास कार्यों की समीक्षा सोमवार को आयुक्त सभागार में नोडल अधिकारी और अपर मुख्य सचिव संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें प्रभारी जिलाधिकारी व सीडीओ अनु सिंह, एसपी साउथ ज्ञान प्रकाश चतुर्वेदी, मुख्य राजस्व अधिकारी बलराम सिंह, एडीएम प्रशासन प्रभुनाथ सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए अपर मुख्य सचिव ने कहा कि राजस्व, तहसील दिवस सहित अन्य विभागों से आए शिकायतों को 31 मार्च तक निस्तारण कर दें। उन्होंने कहा कि शौचालय निर्माण, सफाई व्यवस्था सहित शासन की विकास परक योजनाओं को सुचारू रूप से संचालित करें, जिससे शासन की मंशा के अनुरूप कार्य हो सके। टोटल कितनी कंप्लेंट्स हैं जो है, कितनी बैठक जा रही है? हमें अपेक्षा की एक हर लेखपाल ये बताएगा कि हमारे कितने केसेस ऐसे हैं जिसमें पुलिस की आवश्यकता है। ऐसे हिसाब से कहा था कि रीड कॉस्ट बताएगा कि हमारे कितने केसेस जमीन पब्लिक से तस्वीर में व्यवस्था करवा लीजिए और पब्लिक प्रधानमंत्री उसके कितने केसेस वो जो सर्वे आपने किया उसका कितने केस निकल गया है। एक आपने तभी जीव जारी हुआ था इतने शॉर्ट मॉडल का, आपने एक टीम जाने का प्रोग्राम दिखाया था, मैंने आपको बैठने बताया था आपके पब्लिक से आप कैसे कितने रिपोर्ट किए थे प्रधानमंत्री से सूचित कर दिया जमीन में मुझे सुनने से एक बार जब जितना है उसकी बात करें शिकायतें बताती हूँ और प्लस जैसे जो है कितने रिपोर्ट केसेज सुनौने वाला है उसकी पूरी सूची बना लेंगे, सूची बना के गाँव का टीका प्रोग्राम बनाएंगे। एक घंटे दो बजे अगर सूची नहीं बनी तो शिकायतें दरखास्त खत्म नहीं हो सकती। आप प्रत्येक एस डी एम के माध्यम से तहसील माध्यम से लेखपाल से जानकारी प्राप्त करके 7 दिन के अंदर 7 दिन की आपका तारीख 31 मार्च तक आ गई संभव तो 31 मार्च तक उनके क्षेत्र में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से गांव के जो प्राथमिक आदमी हैं, चाहे चक्रोड का हो, चाहे रास्ते का हो, चाहे नाली का हो या मार्ग का हो, उसके रोड से कहते रहते हो जितने अपने की आवश्यकता है नहीं है जितने आवश्यकता हो रेफर थोड़ी कर लेगा जिसमें उनके हिसाब से प्राथमिक अपनी शिकायत आती है। ऐसे ही पब्लिक तो